तो दोस्तों सक्सेसफुली हमारे मोबाइल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है। जैसे दोस्तों डिस्प्ले पे फिंगर सेंसर पे फिंगर अपना टच करते हैं, वैसे दोस्तों हमारा मोबाइल अनलॉक हो जाता है। सो नमस्कार दोस्तों, मोबाइल टिप्स ओनली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडमी 12C मोबाइल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाया जाएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हो अपने मोबाइल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाना, तो दोस्तों आप 2 मिनट के अंदर अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक जैसे लगा दोगे तो दोस्तों आपके मोबाइल की डिस्प्ले पे यहाँ पे फिंगर सेंसर रहेगा, इस पर आप जैसे अपने फिंगर टच कर दोगे वैसे ही आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए आपको अपना पहले सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रीन लॉक पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपने जो भी स्क्रीन लॉक बना के रखा है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, तो दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको टर्न ऑफ स्क्रीन लॉक पे क्लिक करना है और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इसका मतलब यह है कि जब आप अपने मोबाइल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाओगे उसके पहले आपको अपने मोबाइल का सारा लॉक हटा देना है। आपको अपने मोबाइल को विदाउट स्क्रीन लॉक का रखना है, तभी आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा पाओगे। इतना करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन रहेगा, थीम्स एप्लीकेशन, तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर ऊपर सर्च बॉक्स रहेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर सर्च बॉक्स में लिख देना है कूल एक्स UI। जैसे दोस्तों कूल एक्स UI लिख के सर्च कर दोगे तो दोस्तों आपको पहले नंबर पे ये वाला थीम आ जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपके यहाँ पे नीचे डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों फ्री में डाउनलोड है, तो आप यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। जैसे दोस्तों डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों फटाफट डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे ये थीम जो है डाउनलोड हो जाएगा, तो आपके यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, ये दोस्तों आपके मोबाइल में थीम जो है सेट हो जाएगा। जैसे सेट हो जाएगा तो सक्सेसफुली आपके मोबाइल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लग जाएगा। अब आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं, दोस्तों हमारे मोबाइल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक सक्सेसफुली लग चुका है। यहाँ पे मोबाइल को लॉक करते हैं, लॉक करने के बाद ऑन करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो फिंगर सेंसर दिखाई दे रहा है डिस्प्ले पे, तो इस पे जैसे ही अपना फिंगर टच करेंगे वैसे ही दोस्तों हमारा मोबाइल अनलॉक हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप रेडमी 12C मोबाइल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।